वालेकुम गाइस, गाइस ये हैं ये सऊदीया में आगे क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सारा कुछ है। सारे लफंडर कट्टे हुए हैं सारे लफंडर कट्टे हुए हैं। पाकिस्तान में किसी के नहीं सुनते, ये देखे इधर हड्डिया में कानी पड़ जाओ सबके सुन रहे हैं ना, पकाना नहीं आता भाई। सारी दिहाड़ी मौसम में Oh my god. एक वॉल पेपर है तो शीशा बड़े का कॉलेज में सलाम लिखी जाइए हूं तो बस काई तो सारा शीशे का सामान है, सारा कोला है गई कॉलेज ने सारे भेज ये बेच शीशे के कोले ही कोले ही कोले ही शीशे लगे वे तो वा छोटा से छोटा ठंडे कोले पता नहीं कड़े कोले है कोले ने फ्लेवर पता नहीं की है तंबाकू तमाकू चिलम लगी शीशा बाहर चल रहा बोतल पी इतने बह खाते पीते ने सारे खजूर के लाग ना दीवार जी बनाई है सामने उन्होंने कैफे बार शीशे का जिते चलती चैंपियन वगैरह है सामने छोटे छोटे ना शीटा लाइया ने आर्डर वगैरह लो उ बह खाओ पीओ लाइटिंग एरिया इन्होंने आउट साइड से हर किसी ना स्विच बोर्ड लगे ने चार्जिंग वास्ते उन्होंने बनाया थले क्लीन भी छे ने चार्जिंग की जगह कह लाई इन्होंने कि जो बॉक्स है हर बॉक्स ही नुक्कड़ तेना उन्होंने सब सिस्टम बनाया है शाम की हांडी कटी जा रही है नाल कद्दू कट रहा है पहले कितने ही उनका टप जड़ा कटिया समान है पानी भरिया कद्दू वास्ते छुट्टी चार बजे हो गई डेगी इधर अम्मी जी जे पकौड़े बना रहे खुशी बना रहे जी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी हर कोई अपना अपना लगा हम धर्म के भले बहाने जो बना रहे चाट मसाला बनाया दही भले जड़े तैयार करके रखे ने उन्हें खावे आटे करने तो बाद मछली हैगी है ना अपनी बना के रखी है ऐसे आटे गुन के रखे ने सुबह जुम्मा है वे उनके अस मुर्गी जी तैयार कर मुंडा कद्दू जोड़े उन्होंने पै रहे हैं तो आता आहिस्ता जो पानी उभर रहा है तो गए
ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਾਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ